सबसे पहले YouTube देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पामिस्ट्री विद अकबर सरदी शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इसको लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको मिलती रहें। आज तक ये होगा कि आप किसी पामिस्ट के पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं कि बताओ ये है वो है, उसकी जो मर्ज़ी बताता रहे आप जो है उसको करते रहते हैं। लेकिन हमने एक तरीका ये निकाला है कि हम पूरे हाथ का स्केच बनाकर आपको एक एक लकीर के बारे में बताएंगे और फिर हाथ की किस्मों के बारे में बताएंगे, नाखूनों की किस्मों के बारे में बताएंगे और कोई भी आप एक सवाल करें उस एक सवाल का जवाब हम बज़रिया वीडियो आपको दिया करेंगे। और अगर आपको कोई सवाल करना है यूट्यूब में जो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है इस नंबर पर कोई भी एक सवाल करें हम आपको जवाब देंगे। आज हम आपको बताएँगे कि हाथ में औलाद की लकीरें कहाँ पर होती हैं और उसमें लड़कों की लकीरें कौन सी होती हैं और लड़कियों की लकीरें कौन सी होती हैं, उनको ज़रा गौर से आप देखिएगा। सबसे पहले ये जो मैंने हाथ बनाया है इसमें ये ज़िंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है, ये दिल की लकीर है, यानी ये लाइफ लाइन, ये ब्रेन लाइन और ये हार्ट लाइन, ठीक है। ये तीन लकीरें जिन्हें मास्टर लकीरें हैं। इसके अलावा जो चौथी लकीर होती है वो है ये है लक लाइन, ये जो है लक लाइन है। और मैरिज लाइन यानी शादी की लकीर कहाँ पर होती है, वो होती है छोटी उंगली के नीचे और दिल की लकीर के दरमियान का जो ग्राउंड है इसको हम मैरिज लाइन कहते हैं यानी शादी की लकीर। तो ये शादी की जो लकीर है ये आपके हाथ में अगर ऐसी लकीर है बिल्कुल सीधी और शौख लकीर है, ये देखें जिस तरह की मैं आपको बना के बता रहा हूँ, अगर इस तरह की लकीर आपके हाथ में है, ये देखें ये इस तरह की लकीर अगर आपके हाथ में है और उसमें जो बारीक लकीरें हैं इनको हम कहते हैं लड़कियों की लकीरें होती हैं, और जो गहरी मोटी और फैली हुई लकीर जिस तरह का मैं फैला हुआ हूँ इस तरह के अगर कोई लकीर आपके हाथ में है तो वो लड़के की लकीर है। देखें ये जो गहरी लकीर है मोटी लकीर है ये लड़के की है और जो बारीक लकीरें हैं ये लड़कियों की हैं। आपके हाथ में देखें कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा है या लड़कों की तादाद ज़्यादा है। अगर फैली हुई लकीरें या मोटी लकीरें सेहतमंद लकीरें ज़्यादा हैं तो लड़कों की तादाद ज़्यादा है, और बारीक और मध्यम लकीरों की तादाद अगर ज़्यादा है तो ये समझें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हम हर वीडियो में आपके 10 सवालों का जवाब भी दिया करेंगे। जो नंबर हमारा स्क्रीन पर चल रहा है इस नंबर पर आप कोई भी एक सवाल करें आपको जवाब भी बज रहे यूट्यूब वीडियो को मिलेगा। तो सबसे पहले जो सवाल किया है शुमैला ने किया है, शुमैला ने सवाल किया है खुशाब से, मेरी दूसरी शादी होगी या नहीं और कब होगी। आपकी दूसरी शादी इंशाल्लाह ज़रूर होगी और 2020 जो है आपके लिए बड़ा अहम और खुशखबरियों का साल होगा। उसके बाद सवाल किया है रेशम जानान ने रावलपिंडी से, शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपकी शादी जो है वो लव मैरिज नज़र आती है और शादी के बाद की ज़िंदगी बड़ी अच्छी और बड़ी पुरसकून होगी। उसके बाद सवाल किया है असद महमूद ने इस्लामाबाद से, आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी मौजूदा ज़िंदगी बहुत अच्छी है और आने वाली ज़िंदगी भी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर होगी। उसके बाद शुएब खुशनूद ने सवाल किया है रावलपिंडी से, मैं अरबपति कब बनूँगा। तो प्यारे दोस्त आप दूधपति बने, अरबपति बने या किसी के पति बने, आपके हाथ में जो लकीरें मौजूद हैं इसके हिसाब से आप पति ज़रूर बनेंगे। उसके बाद सवाल किया है शाहजेब साजिद ने गुजर खान से, 3 साल से बेरोज़गार हूँ, नसीब में दौलत है या नहीं। आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी किस्मत में बहुत दौलत है और बड़ी कामयाबियाँ हैं, लेकिन उसके लिए 2 से 2.5 साल का अरसा लग सकता है। उसके बाद सवाल किया है सईद मज़र शाह ने जद्दा से, शादी कब होगी, औलादें कितनी होंगी। आपकी शादी 2019 के लास्ट में होने के चांस हैं और औलादें आपके हाथ में 3 हैं, 3 औलादों की अलामत हैं और आगे चल के मज़ीद बन जाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद सवाल किया है आलिया खान ने इंडिया बरेली से, खुशियां और सुकून कब तक मिलेगा, मेरी शादी कब होगी। आपकी शादी 2020 में होगी और खुशियाँ और सुकून, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी किस्मत जो है ना उसके कामयाबी की लकीर भी मौजूद है, कामयाबी की लकीर पर इकरास भी, और ये खुशबख्त लोगों के हाथ पे होता है। उसके बाद सवाल किया है ज़ोर ख़ान साहब ने, मेरी किस्मत के बारे में बताएं,
कैसी है? अल्लाह के फजल से आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, बाकी यह है कि जद्दोजहद और मेहनत करके आप उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और बेहतर बनेगी ज़रूर। उसके बाद सवाल किया है अल्ताफ ने ठठा से, कुछ भी करता हूँ कामयाब नहीं होता, दौलत कब आएगी? सदफ मीरपुर खास से। यानी अल्ताफ भाई ने जो सवाल किया है वो ये है, अल्ताफ ठठा, कुछ भी करता हूँ कामयाब नहीं होता, दौलत कब आएगी? प्यारे भाई, पिछले जो वक़्त गुजरा है वो थोड़ा सा आपके लिए रुका हुआ था, ये 2019 से आपके अरूज और कामयाबी के वक्त का आगाज़ हुआ और इंशाल्लाह आप कामयाबी मिलेगी। इसके बाद सवाल क्या है सदफ़ ने मीरपुर ख़ास से, शादी कब होगी, किसको पसंद करती हूँ उससे होगी या नहीं? तो सदफ़ गुड़िया, ऐसा है कि आपकी शादी तो मुझे पसंद की नज़र नहीं आती, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी के बाद बड़ी खुशियाँ देखना नसीब होंगी। उसके बाद मिनाल अलबलोशी ने बहरीन से सवाल किया है, 2 साल पहले तलाक हो गई थी, दूसरी शादी कब होगी, शादी और औलाद होगी या नहीं? आपकी दूसरी शादी 2020 के दूसरे और तीसरे माह में हो जाएगी और औलादें आपके नसीब में हैं। उसके बाद जो सवाल किया है इमरान शाह वल्द मंजूर शाह ने पाकपटन से, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी और हालात कब अच्छे होंगे? आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी और आने वाला जो वक्त है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए जद्दोजहद ज़रूरी है। उसके बाद सवाल किया है मोहम्मद कासिम ने अटक से, मेरी किस्मत कैसी और आप बताएं। मोहम्मद कासिम ने सवाल किया अटक से, मेरी किस्मत कैसी है? प्यारे दोस्त, किस्मत तो आपके हाथ में अच्छी है, बहरहाल जो मेहनत और कोशिश है वो कोई ख़ास नहीं है, ज़रा कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद सवाल किया है सोहेल ने रावलपिंडी से, दौलत और शोहरत कब मिलेगी? प्यारे दोस्त, हर काम कोशिश मेहनत और हिम्मत से होता है, आप करें, आपके हाथ में शोहरत की लकीर मौजूद है और कामयाबी की लकीर मौजूद है। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और जो नंबर हमारा स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर आप सवाल करके अपने सवाल का जवाब YouTube के ज़रिए ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर हाथ के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो वो भी उस नंबर पर रबता करके आप मालूमात ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी एक सवाल करें और हमारे चैनल को लाइक करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।